हाय फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। हम आज के वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे। सभी लैंग्वेज में बट ऑब्वियस है, विदाउट अ वेरिएबल वी कुड नॉट वर्क फर्दर। वेरिएबल का मेन पर्पस क्या होता है? टेम्पररी, कोई भी यूजर का जो कोई भी डेटा है वो एक मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमें उसे इस्तेमाल करना है उसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने का जो एक रूल है, उसमें बेसिक रूल क्या होता है कि सी लैंग्वेज में हम सबसे पहले वेरिएबल की डेटा टाइप लिखते थे। इंटीजर के लिए INT लिखते थे, फ्लोट मतलब कि पॉइंट वाली कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू होती है प्रिसीजन वाली, तो उसमें FLOAT फ्लोट लिखते थे। कैरेक्टर या स्ट्रिंग के लिए आगे हम CHR लिखते थे। ऐसा कुछ जावास्क्रिप्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर डेटा टाइप क्या है वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट का ये प्लस पॉइंट है। सिंपली आपको हम यहाँ पे लिखना है VAR, वो एक कीवर्ड है, इज इक्वल टू साइन सॉरी बाद में वेरिएबल नेम मान लीजिए हमने यहाँ पे x एज्यूम किया है, और उसमें आपको जो कुछ भी वैल्यू स्टोर करवानी है आप स्टोर करवा सकते हैं। कि अभी के लिए मैंने 5 स्टोर करवाई है। तो जावास्क्रिप्ट जब भी कोई भी वैल्यू x वेरिएबल में स्टोर करेगा, वो अपने आप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू उस वेरिएबल की डेटा टाइप कंसिडर करके वो आगे वर्कआउट करेगा। यहाँ पे हमने 5 लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट जब भी इस वेरिएबल को क्रिएट करेगा इन टू द मेमोरी, तो x वेरिएबल एज अ इंटीजर वैल्यू स्टोर करके वेरिएबल डेटा टाइप उसकी एक्स कर देगा। अब दूसरा वेरिएबल हमें मान लीजिए डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाई। यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे डबल कोटेशन में फाइल लिखा है, तो इस केस में क्या होगा कि जब भी आप वेरिएबल वाई जावास्क्रिप्ट अब क्रिएट करेगा, तो वाई की डेटा टाइप जो क्रिएट करेगा वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसिडर करके स्ट्रिंग टाइप कंसिडर करेगा। मान लीजिए कोर वेरिएबल जेड इज इक्वल टू 10.20। तो अब इस वेरिएबल की डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट कौन सी करेगा? बट ऑब्वियसली आप जान देंगे, फ्लोट या फिर डबल। जावास्क्रिप्ट में डबल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोट वर्ड इस्तेमाल ज्यादातर आप बुक में या रेफरेंस में नहीं देख पाएंगे। तो ये सिंपल 3 वेरिएबल हमने लेकर डिक्लेयर कर दिए, एक्स वाई ओ जेड। दूसरे जो नेमिंग रूल्स आते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो जो सी लैंग्वेज के होते हैं वही होते हैं। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउडेड एज अ वेरिएबल नेम, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट, मतलब कि जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल नेम होता है उसका जो कुछ भी कैरेक्टर होता है वो अल्फाबेट होना चाहिए। न्यूमेरिक 1, 2, 3 ये नॉट अलाउडेड है। आप कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहे लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम कैश सेंसिटिव है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पूरी कैश सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दो डिफरेंट वेरिएबल हो जाएंगे, और कोई भी सिंबल अगर अलाउडेड है तो सिर्फ एक अंडरस्कोर अलाउडेड है। आप यहाँ पे अंडरस्कोर ए, सिंपल ए और कैपिटल ए तीनों वेरिएबल डिफरेंट हो जाएंगे। अंडरस्कोर बीच में भी अलाउड है, आगे भी अलाउड है और लास्ट में भी अलाउड है। अदर देन अंडरस्कोर आप कोई भी कैरेक्टर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, अल्फाबेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड्स अलाउडेड नहीं है, जो सीक्वल रूल्स है वही रिपीट हो गए। ये सिंपल 3 वेरिएबल्स वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। दूसरा जो एक ऑप्शनल पोर्शन होता है, ये VER वर्ड होता है। अगर VER वर्ड हम नहीं लिखेंगे तब भी वो जावास्क्रिप्ट इसे वेरिएबल का डिक्लेयर कर देगा। वो एक ऑप्शनल कीवर्ड है नए जावास्क्रिप्ट के वर्जन में। आपका पुराना, बहुत पुराना अगर वर्जन है तो वो अलाउडेड नहीं है आज तो। बट ऑब्वियस एज पर टूडेज डेट आप नहीं लिखेंगे या फिर लिखेंगे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये वेरिएबल्स के अलावा दूसरे जो कुछ भी वेरिएबल्स होते हैं, फिर से एक्स लिख के हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉल्स। ये बुलियन वेरिएबल होगा, उसकी टाइप वेरिएबल, क्योंकि ट्रू या फॉल्स दो में से कोई एक ही वैल्यू इसमें स्टोर करवा पाएंगे। दूसरा जो लास्ट में आता है उसमें नल आता है, इस मतलब कि इसमें कुछ डेटा है ही नहीं। ये नल कॉन्सेप्ट मतलब कि डबल कोटेशन वो एक डेटा हो जाता है, एम्प्टी डेटा, जीरो मतलब कि एक न्यूमेरिक वैल्यू हो जाती है, लेकिन नल मतलब कि कुछ भी डेटा नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ ब्लैंक वेरिएबल डिक्लेयर करना है y। दूसरा जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि अगर a में आपने यहाँ पे अब ऊपर जो फाइल लिखा है, अब यहाँ पे आपने डबल कोटेशन में कुछ भी डेटा स्टोर करवाया है, तो वैल्यू बट ऑब्वियस से ओवरराइट हो ही जाती है, और साथ में उसकी जो कुछ भी डेटा टाइप है वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सिंपल फाइल लिखा है, तो तब यहाँ पे जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसकी टाइप होगी इंटीजर, लेकिन आफ्टर इन एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेप, जब ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो अब वेरिएबल की टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग। ये कॉमन बात है, ये आपको ध्यान में रखने की है, तो ध्यान में वैल्यू ओवरराइट ना हो जाए।
उसके लिए आप वेरिएबल को पहले से ही एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपको वेरिएबल नेम कैसे रखना है। इस वीडियो में इतना ही। स्ट्रिंग विद अ वेरिएबल और डिस्प्लेइंग द वेरिएबल वैल्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत